हेलो गाइस, दिस इज किमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद किमी चैनल। सो दोस्तों, आपका दोबारा से स्वागत है मेरे गार्डन के नए सेक्शन में। तो ये मेरा गार्डन का दोस्तों नया सेक्शन है मेरे टेरेस गार्डन का, जिसमें कि मैंने कर दिए हैं नए प्लांट्स को ऐड। तो देखिए दोस्तों, ये वाले कुछ मैंने परमानेंट प्लांट्स ऐसे चुने हैं जो कि इस सेक्शन में मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं वो परमानेंट प्लांट्स है कौन कौन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं देना चाहूँगी सभी फ्लावर्स और प्लांट्स का ओवरव्यू कि कितने प्यारा सेक्शन ये बना है, और मेरी मॉम ने और मैंने बहुत मेहनत की है। इसकी सॉइल्स तो हमने दोस्तों पहले के वीडियो में दिखाया है मैंने कि इसकी सॉइल तो हमने पहले ही तैयारी कर ली थी, लेकिन मेरी मॉम अब नया ये दोस्तों नए प्लांट्स लेके आई हैं। और मेरी मॉम तो हमेशा मेरा फेस देख के ही प्लांट्स लेके आती हैं कि यार इसको पसंद है, इवेंचुअली उन्हें भी पसंद है। तो हम दोनों के वोट जब पड़ जाते हैं दोस्तों, तो फिर भारी पड़ जाता है और नए प्लांट्स आ ही जाते हैं हमारे घर में। सो दोस्तों देखिए, कितने प्यारे ये प्लांट्स मेरी मॉम लेके आई हैं। और इस बार मैं अपने मम्मा के साथ नहीं गई थी, मेरी मम्मा लेके आई हैं ये वाले जो जितने भी सारे प्लांट्स हैं। और देखिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्लांट से। तो देखिए, पहला प्लांट लाई है मेरी मम्मा डेलिया का, और रेड कलर का डेलिया है। मेरी और मेरी मम्मा की जो पसंद है वो बिल्कुल रेड कलर या फिर डार्क कलर्स की है दोस्तों। डार्क कलर्स हम लोगों को पसंद है, और जैसे लाइट कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स होते हैं, वो दोस्तों इतने पसंद नहीं हैं, जो कि लाइट होते हैं तो उतने वो पसंद नहीं है। लेकिन डार्क कलर्स दोस्तों हम लोगों को बहुत पसंद है। सो गाइज, ये है हमारा रेड कलर विद वाइट शेड डेलिया, और इसमें दूसरी कली भी बन रही है, ये देखिए ये वाली। और हमने ये लगा दिया है दोस्तों 10 इंच के पॉट में, ये देखिए 10 इंच का पॉट है ये। और दोस्तों नेक्स्टली मैं बताती हूँ, नेक्स्टली जो हमारा ये प्लांट है, नेक्स्ट प्लांट है गाइज हमारा बटन रोज का। तो बटन रोज को दोस्तों मिनिएचर रोज भी कहा जाता है, और मिनिएचर रोज की खासियत होती है, मिनिएचर रोज दोस्तों पूरे साल खिलता है और पैरेनियल प्लांट है। तो पैरेनियल प्लांट दोस्तों बहुत ही अच्छे प्लांट्स होते हैं। इसमें आपको दोस्तों ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस रिपोर्टिंग थोड़ा सा होती है और फ्लावरिंग आपके गार्डन में हमेशा बनी रहती है। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा बटन रोज, और जब मेरी मॉम प्लांट्स लाती है दोस्तों, समझिए वो मेरी भी पसंद है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे मेरे जितने भी प्लांट्स हैं वो पसंद होते हैं, और मेरी मॉम ही ज़्यादा प्लांट्स लेके आती है। और फिर दोस्तों है हमारा टिकोमा, ये है दोस्तों, एक होती है टिकोमा बेल जो कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाई है। अब मेरी मॉम लाई है टिकोमा के नॉर्मल ये प्लांट लेके आई हैं, और ये देखिए दोस्तों। और टिकोमा मैंने उनको बोला था कि टिकोमा ज़रूर लाना, तो टिकोमा लेके आई है मेरी मॉम। ऑरेंज कलर का टिकोमा है ये, बिल्कुल बहुत सुंदर और इतना प्यारा दोस्तों 12 इंच के गमले में लगा हुआ है। फिर गाइस ये देखिए, यहाँ पर है ये हमारा हिबिस्कस, रेड कलर का, टोटल रेड कलर का हिबिस्कस है गाइस। और इसका कलर देसी हिबिस्कस से थोड़ा सा डिफरेंट है, मींस ये डिफरेंट फ्लावर है और ये देसी हिबिस्कस नहीं है, ये हाइब्रिड वाला है। देखिए कितना प्यारा हिबिस्कस है मींस। और इसे चाइना रोज़ क्यों कहते हैं दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रोज़ का कंपटीशन करे, तो चाइना रोज़ किसका सही नाम है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा चाइना रोज़ दोस्तों। यहाँ पर है हमारा देसी पिटूनिया, ये देखिए ये हमारा देसी पिटूनिया यहाँ पर लगा दिए। देसी पिटूनिया की एक खास बात होती है दोस्तों, बारिशों तक पूरी गर्मी और फ्लावरिंग देते हैं। तो देसी पिटूनिया भी आप अभी भी लगा सकते हैं, और अगर आपको पिटूनिया बहुत पसंद है दोस्तों, तो फिर आप मल्टी फ्लोरा पिटूनिया लेके आ सकते हैं। मल्टी फ्लोरा पिटूनिया आपका पूरे साल खिलता है और पैरेनियल प्लांट है। तो ये पिटूनिया की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और नया ये प्लांट है। सो गाइज, ये है हमारा मैरीगोल्ड की सीडलिंग्स। तो कुछ मैरीगोल्ड की सीडलिंग्स हमने यहाँ कर दी है, और ये देखिए कितनी प्यारी सीडलिंग्स है। फिर यहाँ पर लगाया है दोस्तों एक रोज़ का प्लांट, जो कि हम लोगों ने कटिंग से ग्रो किया था, और कटिंग से ग्रोन ये प्लांट है रोज़ का। और ये भी दोस्तों रोज़ का कटिंग से ग्रोन प्लांट है, ये देखिए। और यहाँ पर लगे हुए देसी पिटूनिया, और यहाँ कर रखी है मैंने थोड़ी बहुत कुछ दोस्तों यहाँ पर सीडलिंग्स कर रखी है।
जो कि अपना टाइम आने पर अपने आप ही निकल जाएंगी। ये है दोस्तों पोर्टोलेका। पोर्टोलेका बहुत ही अच्छा प्लांट है। पोर्टोलेका को अभी आप लगा लीजिए, पोर्टोलेका आपके पूरे गार्डन में पूरे साल बना रहेगा। फिर है दोस्तों हमारा ये वाला प्लांट, देखिए मैंने आपको ये वाला हिबिस्कस पता नहीं वीडियो में दिखाया भी कि नहीं। ये देखिए ये ऑरेंज कलर का हिबिस्कस है, टोटल ऑरेंज कलर का हाइब्रिड हिबिस्कस है बिल्कुल, और हाइट में ये थोड़ा कम ही रहता है, ये देखिए। फिर दोस्तों यहाँ पर है हमारा गंधराज। गंधराज बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खुशबूदार प्लांट है। और गंधराज का जो प्लांट होता है दोस्तों, ये अपनी खुशबू, यानी कि इसका नाम ही गंधराज है, यानी कि खुशबू का राजा। तो गंधराज प्लांट बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, बहुत खुशबूदार इसमें फूल आता है। तो ये भी पेरेनियल प्लांट है, इसे भी दोस्तों हमने अपने गार्डन में ऐड किया है। नेक्स्ट दोस्तों हमने पेरेनियल प्लांट ऐड किया है करोंदे का। तो देखिए करोंदे का ये प्लांट है, और करोंदा आप लोगों ने पता नहीं दोस्तों सुना हो या नहीं, अगर आप यूपी से हैं तो दोस्तों आपने ज़रूर सुना होगा ये वर्ड करोंदा, क्योंकि दोस्तों हम लोग भी यूपी से हैं, रहते हम देहरादून में हैं लेकिन हम हैं यार वही यूपी वाले। तो दोस्तों करोंदे का प्लांट हम लोगों ने अपने गार्डन में ऐड किया है और बहुत बढ़िया तरह से ये लग चुका है। नेक्स्टली है गाइज हमारा गोरी चोरी का प्लांट। ये देखिए गोरी चोरी का प्लांट है दोस्तों ये, और गोरी चोरी के प्लांट में बहुत अच्छी तरह से अब लीव्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। नेक्स्ट ले गाइस हमारा है धतूरा बेल्स। तो धतूरा बेल्स दोस्तों एक पेरेनियल प्लांट है, ये भी पेरेनियल है। जितने प्लांट्स मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें सारे ही दोस्तों ये पेरेनियल ही हैं, पिटूनियाज को छोड़ के, और मैरीगोल्ड थोड़ा सा पेरेनियल तो होता है लेकिन दोस्तों ये थोड़ा अपना वक्त आने पर ख़राब हो जाता है। ये देखिए दोस्तों ये वाला हमारा है धतूरा बेल्स, और ये है दोस्तों हॉली हॉक। हॉली हॉक गाइस थोड़ा सा हमारा खिलने में प्रॉब्लम आ रही है, और बल्कि हमारे ही नहीं देहरादून की सारी नर्सरियों में हम पता कर चुके हैं, एक भी प्लांट पता नहीं किसी का ब्लूम ही नहीं कर रहा है। इस बार जाने क्या हो गया है हॉली हॉक्स को, ब्लूमिंग ही नहीं कर रहे, और जितना कि जबरीना खिलता है मीन जबरीना भी उतनी अच्छी तरह से ब्लूमिंग नहीं कर पा रहा है। ब्लूमिंग तो जबरीना हॉली हॉक ने की है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं की है जितनी दोस्तों होती है ओरिजिनली। मतलब अभी तक तो पूरा जो प्लांट है वो फ्लावर्स से भर जाता है। सो गाइस ये है इस तरह का कुछ हमारा न्यू सेक्शन, और ये वाला प्लांट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है दोस्तों रजनीगंधा का प्लांट। तो रजनीगंधा बहुत ही प्यारा प्लांट है, इवेंचुअली पेरेनियल होता है लेकिन दोस्तों गर्मियों में खिलने के बाद कहा जाता है कि इसकी जो मतलब ये लीव्स हैं ये मतलब ख़त्म हो ही जाती हैं, मीन सर्दियों का ये प्लांट नहीं है। तो पेरेनियल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको बचाया भी जा सकता है, और या फिर इसकी लीव्स को काट के इसका जो बल्ब है उसी सॉइल में रहने दिया जाता है, जब उसका टाइम आता है तो फिर वो दोबारा से अपनी लीव को निकालना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए इसको भी हम पेरेनियल कह सकते हैं, होता तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं क्योंकि इसका बल्ब कभी भी ख़त्म नहीं होता। सो गाइस ये है मेरा कुछ प्यारा सा न्यू सेक्शन मेरे गार्डन का, और इसी सेक्शन के साथ रखा है हमारा लोटस का प्लांट। तो मैंने कहा था दोस्तों जो वो मडी वाटर कल था, तो रात भर में 24 आवर्स तो पूरे अभी नहीं हुए हैं तो इतना क्रिस्टल क्लियर वाटर तो नहीं हुआ है लेकिन होने ही वाला है, मीन्स क्योंकि 24 घंटे अभी पूरी तरह से नहीं हुए हैं तो 24 घंटे में ये वाटर पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। तो देखिए वो न्यू लीफ हमारी इस तरह से यहाँ पर निकल रही है, और मेरा जो पॉन्ड मैंने कल ये क्लियर किया था कितना क्लियर और साफ लग रहा है दोस्तों। सो दोस्तों ये रहा मेरा गार्डन का न्यू सेक्शन। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो नए प्लांट्स मैंने अपने गार्डन में ऐड किए हैं वो आप लोगों को कैसे लगे ये भी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, ऑल्सो डू कमेंट, और इफ़ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी सो यू कैन गिव इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय।